ठिठुरन से ठिठुरते हुए यहाँ पे सुबोध जी बोरोलीन लगाते हुए बार बार बर्फी। इतने भाई लोगों यहाँ पे आप देखिए ना, कितना ही अच्छा लग रहा है। सारे ही नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं यहाँ। केदारनाथ से ज़्यादा ठिठुरन लग रहे हैं हमें, मतलब हम लिटरली मतलब वो फील कर पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी है ना, है ना, शिवरिंग हो रही है। बिल्कुल ठंड होने वाली है बिल्कुल। तो जैसी लूटमार थी केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में बिल्कुल भी वैसी लूटमार नहीं है। ये छोटा सा 2 बेडरूम हमें मिला है, हमने पूरा सामान बिखेर दिया है। ये देखिए सारा का सारा सारा फैला दिया है। ये हमें बहुत ही कम रेट्स में यहाँ पे मिल गया है। और हालांकि इसमें गीज़र नहीं है, गीज़र आपको बहुत सारे जितने भी होटल्स उसमें नहीं मिलता, आपको अलग से बाल्टी मंगवानी पड़ती है उनसे। तो मॉर्निंग के लिए हमने बोला है उनसे बाल्टी लेने के लिए। अभी हम जा रहे हैं तप्त कुंड में और वहाँ पर हम स्नान करते हैं, बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। मेरा आज फास्ट है, मैंने पानी भी नहीं पिया एक घूंट भी, क्योंकि मुझे मेरा मन ही नहीं माना बोतल से पानी पीने का। और जो नेचुरल्स होते आ रहे थे उसमें बस में फिर आप उतर के पी नहीं सकते थे। तो अभी जाके हम स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से बातचीत। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि इस अग्निकुंड में यानी तप्त कुंड में स्नान तप दान पूजा अर्चना के बाद मंदिर में दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। बद्री विशाल वहाँ विराजित हैं, हम स्नान करके बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। तो भाई सुबोध जी घुस रहे हैं, पानी तो धो लिया, तो की भोग ले, गर्मे तो चाहिए ना अपना सबके। केहन पानी छे, केहन एच पानी, ज्वालामुखी जगह पानी छे, हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा ओया पानी डाले छे बाहर में तो नहीं होया के छे ना, तो बाहर में पानी बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर बहुत टेम्परेचर उसका गर्म है। मैं तो पैर करके बैठा हूँ। लेकिन हाँ आपकी पूरी थकान मिटा देगा है ना, मिटा दिया गया लेकिन सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। आप इसमें उतर नहीं सकते हैं? नहीं, लोग उतर के भी नहाते हैं, पता नहीं क्यों कैसे नहाते हैं। सुबोध जी घुस गए हैं और निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं भाई, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थकान उतर गई। चलिए अब फटाफट सभी भाई लोग यहाँ पे मजे कर रहे हैं। लेडीज़ के लिए उधर तपकुंड है, तो जो भी महिलाएं माताएं बहनें आती हैं वो इधर की तरफ जाके और तपकुंड में स्नान का आनंद ले सकते हैं। तपकुंड में सुबोध जी स्नान कर चुके हैं, मैं स्नान कर रहा हूँ अब। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग, हिम्मत नहीं हो रही किसी को पैर अंदर डालने की। इसमें मुझे लग रहा है कम से कम 44 डिग्री टेम्परेचर होगा इसका, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है और मतलब नहीं जा सकते अंदर। लेकिन केदारनाथ की सारी चढ़ाई जो थी ना हमारी और उतराई, उस सबकी थकान मिट गई, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी जब आए अपना होटल छोड़ के यहाँ जरूर नहाने। और ये देखिए बहुत ही बड़ा कुंड है और पूरा की आप देख सकते हैं कितना धुआं निकल रहा है इसमें से, क्या कितना गर्म पानी है। और ये सभी लोग नहाते हुए यहाँ पर, उधर महिलाओं का कुंड है। और एक बार ये दोबारा से अवनीश जी तप्त कुंड का मजा लेते हुए। बस कई सारे लोग बहुत डर भी रहे हैं इसे थोड़ा सा पैर रखने में, मैं तो फिर रख रख के ना बार बार निकाल रहा हूँ। तो भाई लोग खाते हैं मेंटॉस दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, बट इस तप्त कुंड में आप स्नान कर लेंगे ना तो पूरी दिमाग की बत्ती जल जाएगी। और ये देखिए जरा भाई साहब, पूरी दिमाग की बत्ती, और थोड़ी देर जब आपका जो बॉडी है ना, बॉडी टेम्परेचर, आत्मा की बत्ती भी जल जाएगी, सारी थकान मिट जाएगी, बहुत ही आनंद आएगा। बता नहीं सकता, ये एक्सपीरियंस तो जरूर करना चाहिए लाइफ में एक बार। मैं तो दोबारा बद्री विशाल जरूर दर्शन करने आऊंगा, आप जरूर आए। जय हो, हरिओम, सुंदर बद्री विशाल के मंदिर के दर्शन आपको हो रहे हैं द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स में दिला के माध्यम से। सुंदर यहाँ पे सब कुछ, ऐसा लगता है जैसे विश्व में जो सबसे सुंदर जगह है वो यहीं पे है। बद्री विशाल का प्रांगण है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे सजावट कर रखी है। 19 या 20 तारीख को इसके पट बंद हो जाएंगे और उसके बाद भक्त दर्शन नहीं ले पाएंगे। सारे भक्त बहुत ही ज़्यादा जोश में हैं यहाँ पे और नारे लगा रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर नक्काशी इस मंदिर की। आप सोच सकते हैं पता नहीं 12वीं या 14वीं शताब्दी में श्री संत शंकराचार्य के द्वारा स्थापित है। ये इतनी सुंदर वास्तुकला है यहाँ पे कि जो यहाँ पे माइनस टेम्परेचर में भी टिकी रहती है और करीब 6 महीने बर्फ में ढकी रहती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। आगे आपकी पहली बार हमें सीन से दर्शन हो रहे हैं, भक्तों की पूरी भीड़ और यहाँ पे हरि कृष्ण भगवान के अलावा महादेव के भी नारे लगते हुए, जयकारे लगते हुए सभी बहुत ही ज्यादा जोश में।
बोलिए बद्री विशाल की, कमल नयन भगवान की, श्री हरि नारायण भगवान की। बहुत ही बढ़िया, विशाल के दर्शन बस थोड़ी देर में हो जाएंगे और यहीं पे प्रांगण की शुरुआत है। और मुझे लग रहा है कि इस मंदिर प्रांगण में बहुत सारे दूसरे भी छोटे छोटे मंदिर हैं, उनके दर्शन हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। श्री बद्री विशाल के दर्शन हमने कर लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो आए बद्री वो ना आए कभी उतरी, यानी मोक्ष मिल जाता है, उधर में उसे दोबारा प्रवेश नहीं मिलता, जन्म मरण का जो चक्कर है ना उसका वो छूट जाता है। इसीलिए श्री हरि विष्णु के दर्शन करने, यहाँ बद्री विशाल के दर्शन करने एक बार लाइफ में जरूर आना चाहिए, ताकि जन्म मरण का चक्कर जो है ना इससे मुक्ति मिल सके और भगवान नाम मिल सके। बद्रीनाथ भगवान के, श्री बद्री विशाल के, बद्रीनाथ पुरी के सुंदर दर्शन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये प्रसाद के साथ हम लोग हाजिर हैं। सारा दिन हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है, इन्होंने तो चाय पी लिया, मैंने तो पानी भी नहीं पिया एक घूंट भी। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, उन्होंने तो बुला बुला के दर्शन कराए और मुझे कोई भगा भी नहीं रहा था वहाँ से, मैंने बहुत सारे स्रोत किए, बहुत ही अच्छा लगा। केदारनाथ से 100 गुना ज़्यादा अच्छे दर्शन मुझे बद्रीनाथ के प्राप्त हुए। श्री बद्री विशाल सभी का मंगल करें, सारे सब्सक्राइबर जो हैं जो नहीं हैं सभी का मंगल करें, सभी जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे नाते रिश्तेदार हैं, जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं नहीं भी सोचते हैं, सभी का कल्याण करें और इसी तरह सबको प्रेरित करते रहें कि वो बद्री विशाल के दर्शन करने आते रहें। हमें कम से कम 1.5-2 घंटे हो गए, हमने पैर में अभी तक चप्पल भी नहीं डाली और यहाँ पे टेम्परेचर करीब 2 डिग्री लग रहा है मुझे, है ना, बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही है और एकदम वाटरी आई हो रहा है, वाटरी नोज हो रखी है। पीछे देखिए बद्री विशाल का सुंदर दर्शन, बहुत ही सुंदर। मैंने अंदर फ़ोन नहीं निकाला क्योंकि सबके फ़ोन छीन लिए जा रहे थे और मेरा तो वैसे भी रिस्क पे था, मेरा फ़ोन ख़राब है तो सुबोध जी के फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। लोग देखते नहीं हैं लेकिन मेरे, बट ठीक है, आप लोगों को कैसा लग रहा है सारी चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा, है ना। 2-4 मैं यहाँ पे अपनी सेल्फीज क्लिक करूँ। रात होते ही सुंदर बद्रीनाथ की छटा देखते ही बनती है, इतना ही सुंदर यहाँ पे इसे रंग रोगन करके सजाया हुआ है और यहाँ हमारे सुबोध जी प्रणाम करके खड़े हैं। हालांकि हम दर्शन करके आ चुके हैं लेकिन हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है, जैसे हम श्री केदार बाबा के दर्शन करके और जाने का मन नहीं कर रहा था वहाँ से, सेम वही हो रहा है कि जाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों सुबोध जी? जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथपुरी, जय बद्रीनाथपुरी। श्री हरि बद्री के सुंदर दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा शिवालय है जहाँ पे मुझे ऐसा मेरे ज्ञान में है कि जब भी आप श्री हरि विष्णु के पूजा करें, दर्शन करें, महादेव के दर्शन जरूर कर लेने चाहिए और ये सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ। छोटा सा शिवालय, बहुत ही सुंदर, यहाँ पे नंदी भी है, आप देखिए। ये है श्री आदि केदारेश्वर। आदि केदारेश्वर, बहुत बढ़िया, मुझे पता नहीं था, सुबोध जी ने मुझे बताया शिवालय का नाम है आदि केदारेश्वर। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और इस तरह के दर्शन हमें होते रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, जो आए बद्री वो ना आए उदरी, उसका जो है वो मोक्ष मिल जाता है उसे। श्री हरि विष्णु अपने चरणों से स्थान देते हैं, भगवत धाम देते हैं, तो जय बद्री विशाल, सबको एक बार दर्शन जरूर करने आना चाहिए। श्री बद्री विशाल के सुंदर दर्शन करने के बाद पूरा दिन उपवास है हमारा और हम यहाँ पे अब खाना खा रहे हैं। टेम्पटिंग सी सब्जी है यहाँ पे मिक्स वेज, मैंने दूसरी की थाली में देखी, मैंने कहा मिक्स वेज मंगाते हैं और पनीर की सब्जी खा रहे हैं। रोटी अभी तक नहीं आई है, थोड़ा सा स्लो सर्विस है यहाँ। भाई इस पूरे ट्रिप ने हमें सबसे टेस्टी खाना खाया है यहाँ पे, सौंफ खा रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी। और यहाँ पे पता है क्या, गरम गरम दूध दिख रहा था, हम दोनों ने बोला भैया दूध पी लेते, बहुत छोटा सा गिलास है, 50 रुपीज़ का बटन, आई होप टेस्टी होगा।